Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Kriti, I'm research scholar at IIT Bombay. इस चैनल पे हम PhD एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन सारे डिस्कस करते हैं. आप यहाँ पे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके जो भी प्लेलिस्ट आपके इंस्टीट्यूट के हिसाब से जिस इंस्टीट्यूट में आप इंटरेस्टेड हो उस हिसाब से यहाँ पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. और फॉर अपकमिंग वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो बिकॉज आपकी लाइक मुझे मोटिवेट करती है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PhD एडमिशन इन IIT मद्रास. तो IIT मद्रास के लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन का पोर्टल अभी ओपन हो गया है जो कि 1 मार्च 2023 के ओपन होने वाला था. इसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है तो आप आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो. तो ऑनलाइन अप्लीकेशन फिल करने की लास्ट डेट जो है 31 मार्च 2023 है. आज हम स्टेप वाइज मेथड देखेंगे कि अप्लीकेशन कैसे करना है. फर्स्टली हमें लॉग इन एंड साइन अप पे जाना है और उसके बाद अगर हम न्यू अप्लीकेंट है तो हमें पहले साइन अप करना पड़ेगा. उस क्लिक करने के बाद ये पोर्टल ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के अप्लीकेशन करना है, साइन इन करना है. अगर आप न्यू यूजर हो, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ पे साइन अप यूजर में जाओगे. उसके बाद ये ओपन हो जाएगा. इसके बाद आपको यहाँ पे नेम, ईमेल एड्रेस, वेरीफाई पिन, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करना पड़ेगा. तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब लॉगिन करोगे तो ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा. तो इस लिंक में हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द एडमिशन प्रोसेस. तो सारी गाइडलाइंस आपको पढ़नी है. ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट ऑन दिस साइट विल बी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो लगाने हैं. हार्ड कॉपी आपको कोई भी सेंड नहीं करनी है और आपका एप्लीकेशन अगर इनकम्प्लीट हुआ तो वो रिजेक्ट हो जाएगा. और कैंडिडेट अप्लाइंग टू मल्टीपल डिपार्टमेंट जो है उनको सेम लॉगिन आईडी यूज करना है लेकिन फीस आपको सेपरेटली पे करनी पड़ेगी. और बिफोर स्टार्टिंग एन एप्लीकेशन प्लीज एंश्योर दैट यू हैव योर एजुकेशनल डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट, अदर एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट. फिर आपका जो भी लेटेस्ट फोटोग्राफ होगा वो आपको चाहिए रहेगा. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और फिर रिसर्च प्रपोजल, मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP और फिर रिसर्च प्रपोजल, इन दोनों में से आपको एक कोई भी चाहिए रहेगा. फिर जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपको PDF फॉर्मेट में होने चाहिए विथ साइज 2 MB. और जो फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है वो JPEG फॉर्मेट में आपको चाहिए रहेंगे. और फिर कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड परमिटेड टू एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म. जो जिन्होंने रजिस्टर किया है वो एप्लीकेशन फॉर्म लॉग इन करके एडिट कर सकते हैं कभी भी. और यहाँ पे 4 कैटेगरीज है उसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हो. तो फर्स्ट है एक्सटर्नल कैटेगरीज. यहाँ पे आपको क्लिक हेयर करके यहाँ पे एक्सटर्नल कैटेगरी में आप एप्लीकेशन कर सकते हो लेकिन उसके लिए आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड IIT के जो एम्प्लॉय है रिसर्च पार्क के वो भी उनको नेसेसरी नहीं है कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए. और बाकी वर्किंग प्रोफेशनल अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. और फिर पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम के लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए. उसके लिए भी बस NOC चाहिए रहेगा आपके इंस्टीट्यूट से. फिर जॉइंट प्रोग्राम है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो. उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा. और जॉइंट प्रोग्राम जो है IITM और अदर यूनिवर्सिटीज के साथ मिलके जो होता है उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. तो उसमें 3 इंस्टीट्यूट है जॉइंट प्रोग्राम के लिए, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो. तो हम ये लिंक ओपन करके रख देते हैं, बाद में उनके बारे में डिस्कस करेंगे. फिर है इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोग्राम, उसमें लिए हेप भी आप अप्लाई कर सकते हो. जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर आपका इंटर डिसिप्लिनरी अप्लीकेशन करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. और जो RA कैटेगरी है, जो इंस्टीट्यूट फंडेड जो प्रोजेक्ट होते हैं जिसको TA, SCRA ऐसे कैटेगरीज है, उसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक हियर टू अप्लाई कर सकते हो. उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है. ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, सारी चीजें आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना है.
आपको नंबर, आपका फोन नंबर और करस्पॉन्डिंग एड्रेस भी देना है। फिर वो होने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो फिर उसके बाद एकेडमिक डिटेल का ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको सारे जो नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन एग्जाम है उसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी लिखा है, इफ यू आर इन फाइनल ईयर बी बी टेक एंड विश टू अप्लाई फॉर डायरेक्ट पीजीटी, प्लीज सिलेक्ट द एग्जाम नेम गेट एंड एंटर मार्क 0। ठीक है, तो जिनके पास जो भी डायरेक्ट स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उनको गेट सिलेक्ट करके 0 लिखना है, और जिनके लिए एग्जेम्प्टेड है नेशनल लेवल एग्जाम वो भी ऐसे ही सिलेक्ट करके कर सकते हैं। फिर आपको यूजी का सारा, यूजी पीजी के सारे डिटेल्स यहाँ पे फिल करने हैं। उसके बाद अगर आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस होगा तो वो भी आपको यहाँ पे डिटेल में फिल करना है। अगर आप 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो यहाँ पे प्लस साइन करके आप अप्लीकेशन फिल कर सकते हो, जितने भी करंट ऑर्गेनाइजेशन में आप एम्प्लॉय हो। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पहले तो आपको आपका फोटो अपलोड करना है, फिर सिग्नेचर, फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है। इस डॉक्यूमेंट्स में से एक कोई भी अपलोड कर सकते हो। फिर यूजी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और फिर जो भी एडिशनल सर्टिफिकेट होंगे उनको मर्ज करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। फिर अप्लाई फॉर द डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसके लिए आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। और आप यहाँ पे सारे नोट पढ़ लेना कि यहाँ पे जो भी लिखा है, मैं पढ़ ही लेती हूँ। मेक श्योर यू मीट द रिक्वायरमेंट सपोर्टेड बाय अपलोडेड डॉक्यूमेंट ऑफ योर चॉइस ऑफ रेसिडेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड रिसर्च प्रोग्राम। तो आपको यहाँ पे सारा सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट, रिसर्च प्रोग्राम, डिपार्टमेंट, यहाँ पे सारा चीज आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको फुल टाइम करना है, पार्ट टाइम करना है, एक्सटर्नल करना है। तो हम फुल टाइम कंसिडर करेंगे तो फाइनेंशियल सपोर्ट हमें कहाँ से मिलेगा, इंस्टीट्यूट देगी, आपका JRF है, SRF है, इंस्पायर्ड फेलो है, कुछ है, तो हम इंस्टीट्यूट वाला STRA कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। फिर रिसर्च प्रोग्राम में क्लिक हियर टू मोर है, और नॉट एलिजिबल भी कर सकते हो यहाँ पे। फिर डिपार्टमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी डिपार्टमेंट है आपके। तो मैं केमिकल इंजीनियर हूँ तो मैं केमिकल इंजीनियर सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद यहाँ पे आप एडिशनल प्रेफरेंस भी दे सकते हो कि क्या है, क्या कहाँ पे आप प्रेफर करोगे, फुल टाइम MS, PhD क्या है, ऐसे आप आइदर ऑफ टू भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे आपका SOP जो है वो लिखना है, और उसके बाद डिक्लेरेशन करके सेव और पे करना है। तो लास्ट स्टेप तक हम आ गए। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट एंड सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल हो गई एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप वाइज कैसे सिलेक्ट करनी है। तो हमने फर्स्ट में ही लिंक क्लिक कर दी थी, जॉइंट डॉक्टरेट प्रोग्राम में क्या है। तो यहाँ पे 3 इंस्टीट्यूट है IIM के साथ, जैसे सॉरी IIT मद्रास के साथ श्री चित्रा तिरुमल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम में है, उनके साथ उनका जॉइंट प्रोग्राम होता है। फिर यहाँ पे बायोमेडिकल डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी पे काम होता है। तो यहाँ पे और भी जॉइंट प्रोग्राम होता है, वो आप यहाँ पे कोलेबरेटिव वर्क होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने आज सारी डिटेल्स देख ली कि आपको क्या क्या करना है, आपको कैसे अप्लीकेशन करना है, क्या लिखना है अप्लीकेशन में। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं कि जो भी डाउट है, या फिर और कुछ डाउट रहा तो आप उनके ऑफिशियल जो कांटेक्ट नंबर थे वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो, या फिर यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में भी देख सकते हो सारी चीजें जो भी चेक करनी है। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।